नमस्कार सभी साथियों। जैसा कि हमने अभी तक सुना है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। यानी मनुष्य के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ बेकार है। सही बात है, लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ इनसे बचा नहीं जा सकता है। जरूरत पे सबकी आवश्यकता है। धरती पर जन्म लिया है तो सबकी जरूरत के अनुसार आवश्यकता है। अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश उत्पत्ति के लिए काम भी बहुत जरूरी है। और इसकी अधिकता बेकार है। फालतू की अय्याशी, इधर उधर घूमना, लुच्चागिरी करना उसके लिए बेकार है। इधर उधर ताकना, गली मोहल्लों में ये आपका विनाशकारी हो जाएगा। तो केवल अपने परिवार की वृद्धि के लिए करें, बाकी फालतू के कामों के लिए करोगे तो गड्ढे में चले जाओगे। क्रोध भी बहुत बेकार है। बिना बात थोड़ी थोड़ी करना, हम में तुम में सभी में बहुत बड़े ज्ञानी बने, लेकिन सब में क्रोध होता है। लेकिन क्रोध बिना वजह करना, बुजुर्गों पे करना, साधु संत ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्रोध आना ठीक है। साधु संत ब्राह्मण गैया परेशान है, फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, देख के जा रहे हो, कोई आदमी परेशान है, दुखी हो रहा है, तो ये गलत बात है। इस समय क्रोध आना चाहिए, कोई बुराई भी नहीं। मोह अपने बालक बच्चों से दुनिया मोह करती है। या तो शादी ब्याह करो मत, शादी ब्याह कर ले फिर तुम कह रहे मेरे को मोह नहीं है, फिर बालक बच्चों को छोड़ के भग जा, बाबा बन जा, वो भी गलत है। शादी कर ली है, बच्चे पैदा कर लिए, उनका भी जीवन व्यापन करो, उनका भी भरण पोषण करो जब तक कि वो आप पे आश्रित हैं। ऐसा नहीं कि हमने तो मोह छोड़ दिया, तो या तो शादी ब्याह करो मत। मोह और लोग पैसा, चार पैसा कमा रहे हो, आठ पैसा खत्म कर रहे हो, फिर उधार मांग रहे हो, कज कर रहे हो, तो कर्जा करने की नौबत ना आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लोभ करके अपने पैसे ही बचाएं। लोभ ऐसा ही मत करो कि रोटी नहीं खा रहे, दूसरे नौता कज्जा को भाई के भरोसे बैठे। अरे घर में रोटी सब्जी दाल रोटी खा के और बढ़िया बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई करके जो पैसा बचे उसको सेव रखो। बिना बजे घूमना, कभी लंदन, कभी पेरिस, दूसरों की होड़ करना, आज यहाँ, आज अमेरिका, कहूँ यहाँ, आज जयपुर घूम आए, कल वहाँ घूम आए, तुम 50 जगह पैसा अपना उधार ले लेके घूमने जा रहे हैं, वो गलत है। तो ये तुम्हारा लोभ, अहंकार। अहंकार लोन पे पतों पर गाड़ी उठा ली, कार मार्शल उठा ली, फिर घमंड आ गया, अरे भैया हम तो घूम रहे चार पहिया के, अरे चार पहिया ना 40 पहिया वाले भी घमंड करके मिट गए। तो इन चीज़ों में घमंड बिना मतलब नहीं करना चाहिए, घमंड तो करना ही नहीं है, केवल घमंड ही त्यागने की चाहिए। तो उसको त्यागने की कोशिश करें, पूर्ण तक कोई नहीं त्याग पाता है, कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे ज्ञान हम भी देते रहेंगे, पूर्णतः ज्ञान ही हम भी नहीं है, लेकिन जो भी साधु संत महात्माओं से ज्ञान मिलता है सभी को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं पंडित ब्रह्मजीत कौशिक सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी का समय शुभ हो। जय श्री राधे।